मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म सुरक्षा 22 जून सन 1979 हिट रही, जिसकी कुल कमाई 1.75 करोड़ रुपए थी। फिर 1980 में आई मूवी 1920 जो कि सेमी हिट रही और इसकी कुल कमाई 1.75 करोड़ रुपए थी। फिर 9 जनवरी सन 1981 में आई मूवी हम पांच हैं, यह भी सेमी हिट रही और इसकी कुल कमाई 1.9 करोड़ रुपए थी। फिर उसी सन में आई मूवी वारदात और हमसे बढ़कर कौन कौन, और ये दोनों ही एवरेज रही। वारदात की कुल कमाई 1.40 करोड़ थी तथा हमसे बढ़कर की कमाई 1.7 करोड़ रुपए थी। फिर 1982 में आई मूवी अशांति और यह भी एवरेज रही और इसकी कुल कमाई 2.4 करोड़ रुपए थी। फिर उसी सन में आई मूवी डिस्को डांसर जो कि हिट गई थी और इसकी कुल कमाई 3.2 करोड़ रुपए थी। और इसके बाद सन 1985 में आई मूवी प्यार झुकता नहीं जो कि सुपर हिट गई थी और इसकी कुल कमाई 4.5 करोड़ रुपए थी। फिर 1990 में आई मूवी अग्निपथ जो कि फ्लॉप रही और इसकी कुल कमाई 5.75 करोड़ रुपए थी। फिर 1993 में आई मूवी तड़ीपार और यह भी फ्लॉप रही और इसकी कुल कमाई 2.30 करोड़ रुपए थी। फिर उसी सन में आई मूवी शतरंज और यह भी फ्लॉप रही और इसकी कुल कमाई 3.309 करोड़ रुपए थी। फिर 1944 में आई मूवी चीता और इसकी कुल कमाई 3.161 करोड़ रुपए थी। और फिर उसी सन में आई मूवी जनता की अदालत और यह फ्लॉप रही और इसकी कुल कमाई 3.9 करोड़ रुपए थी। इसके बाद सन 1995 में आई मूवी निशाना जो कि फ्लॉप रही और इसकी कुल कमाई 1.81 करोड़ रुपए थी। फिर इसी सन में आई मूवी जख्मी सिपाही जो कि एवरेज रही और इसकी कुल कमाई 2.5 करोड़ रुपए थी। इसके बाद 1996 में आई मूवी जुर्माना जो कि फ्लॉप रही और इसकी कुल कमाई 2.33 करोड़ रुपए थी। फिर इसी सन में आई मूवी भीष्मा जो कि सुपर हिट थी। फिर इसके बाद सन 1997 में आई मूवी कालिया जो कि एवरेज थी और इसकी कुल कमाई 2.73 करोड़ रुपए थी। फिर इसी सन में आई मूवी शपथ जो कि हिट गई थी और इसकी कुल कमाई 9.95 करोड़ रुपए थी। फिर इसके बाद सन 1998 में आई मूवी शेर ए हिंदुस्तानी जो कि हिट गई थी और इसकी कुल कमाई 3.18 करोड़ रुपए थी। फिर उसी सन में आई मूवी चंडाल जो कि सेमी हिट गया था और इसकी कुल कमाई 3.58 करोड़ रुपए थी। इसके बाद सन 1999 में आई मूवी सन्यासी मेरा नाम जो कि फ्लॉप थी और इसकी कुल कमाई 1.78 करोड़ रुपए थी। फिर उसी सन में आई मूवी शेर और यह फ्लॉप चली गई थी। इसके बाद सन 2000 में आई मूवी सुल्तान और यह भी फ्लॉप चली गई थी। फिर उसी सन में आई मूवी बिल्ला नंबर 786 और यह भी फ्लॉप गई थी। फिर इसके बाद 2001 में आई मूवी जहरीला जो कि एवरेज था। फिर इसके बाद 2005 में आई मूवी ऐलान और यह भी फ्लॉप चली गई थी। फिर इसके बाद 2006 में आई मूवी चिंगारी जो कि फ्लॉप थी। फिर इसके बाद 2008 में आई मूवी डॉन मुथुस्वामी जो कि हिट गई थी। फिर इसके बाद 2009 में आई मूवी जोर लगा के हैया जो कि एवरेज गई थी। फिर 2012 में आई मूवी जिंदगी तेरे नाम जो कि फ्लॉप गई थी। फिर 2019 में आई मूवी ताशकंद फाइल जो कि सेमी हिट थी। फिर इसके बाद सन 2021 में आई मूवी 12 ओ क्लाक जो कि फ्लॉप रही। फिर इसके बाद 2022 में आई मूवी